हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2024 के सुनवाई में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और अब रीनीट के कितने चांसेस है, आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर माना है कि नीट 2024 पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह भी कहा है कि आप शनिवार के दोपहर 12 बजे तक अपनी साइट पे सभी बच्चों का रिजल्ट पब्लिश करें, इसमें बच्चों की आइडेंटिटी छुपाई जाए और जो सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिक किया जाए, यानी किस सेंटर से बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, कितने रैंक बच्चों के आ रहे हैं, तो इससे काफी कुछ और भी हमें एनालिसिस करने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट हियरिंग 22 जुलाई को होनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आपको पटना पुलिस की रिपोर्ट और बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की रिपोर्ट भी पेश करनी है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या काउंसलिंग पे स्टे लगा जाएगा, तो इस पे एनटीए ने कहा कि हम 24 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 22 जुलाई यानी मंडे को हम बिल्कुल सारा केस क्लियर कर देंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप आराम से काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद ये है कि मंडे को 10:30 बजे कोर्ट स्टार्ट होगी और लंच से पहले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिसीजन आ जाएगा, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं क्योंकि अब काफी लंबा टाइम हो गया। और उम्मीद यह भी है कि जैसे रिजल्ट सेंटर वाइज आएगा तो उसमें और डेटा एनालाइज किया जा सकता है, और जैसे हमने देखा कि बिहार है, गोधरा है या और ऐसे सेंटर है जहां पे चीटिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और सेंटर भी ऐसे डाउट में मिल जाएं और उनपे भी प्रूव हो जाएगी कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, या बिहार पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी, पटना पुलिस की रिपोर्ट आएगी, ईओयू की जो रिपोर्ट आएगी, उससे भी अगर कहीं ना कहीं ये सुराग मिल जाता है कि पेपर 5 मई से काफी टाइम पहले लीक हुआ, जैसे 3 मई को लीक हुआ है या 4 मई को लीक हुआ है, और उस केस में ये प्रूव हो जाता है कि पेपर लार्ज स्केल पे लीक हुआ है, तो डेफिनेटली रीनीट एग्जाम होगा और इसके काफी चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पेटिशनर्स जो थे उन्होंने साफ साफ बोला है कि पेपर 5 मई को नहीं 3 मई को लीक हुआ है, जबकि एनटीए बार बार यह बोल रहा था कि पेपर 5 मई के दिन सुबह लीक हुआ है। अगर यह प्रूव हो जाता है कि 4 मई या 3 मई को लीक हुआ है तो डेफिनेटली रीनीट एग्जाम होगा, सब बच्चों को न्याय मिलेगा और हमारे देश को मेहनती और पढ़ने वाले डॉक्टर्स मिलेंगे। और जो बच्चे रीनीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए बीवाइज क्लासेस ऐप पे 5 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपका कृष्णा बैच है, रैंक बूस्टर कोर्स है, सुदर्शन बैच है, बीवाइज क्लासेस की बीट टेस्ट सीरीज है, केयर टेस्ट सीरीज है, इनको फॉलो करते हुए आप रीनीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, ओनली आपको बीवाइज ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज में 5 फ्री कोर्सेज को एक्सेस करना है। तो ऐसी वीडियो के लिए आप बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे ट्विटर पे सुनील__9 इस आईडी से फॉलो करते रहें। थैंक यू।